दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये 19 सितंबर के दिन आप सभी हरिद्वार के लाइव दर्शन कर रहे हैं। दिव्य दर्शन है ये, हरिद्वार के हर की पैड़ी से माँ गंगे के लाइव दर्शन आप सभी कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, माँ गंगे के दर्शन कर सकें। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर देखें। सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो होगी, आप सभी माँ गंगे के सही से दर्शन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं प्रमुख घाट पर और दर्शन कराते हैं। अगर आप इसी तरह लगातार दर्शन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही लगातार आप सभी लोग हरिद्वार के दर्शन करते रहें। लगातार श्रद्धालु हर की पैड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी नाई घाट के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ताज़ा दृश्य हैं ये, जो यहाँ पर चल रहा है वो आप लोग देख रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करते जाएं। दोस्तों बिना देरी किए हुए आप सभी को लेकर मैं गंगा जल के पास पहुंच चुका हूं। आप सभी गंगा जल के दर्शन कर सकते हैं, गंगा जी के दर्शन करें और कमेंट में जय गंगे माता ज़रूर लिखें। आज भी जो जल में रेत की मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि हर की पैड़ी में जो जल का फ्लो है उसको कम किया गया है। जल इतना ज़रूर है कि आप लोग आसानी से डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल नहीं है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है घंटाघर घाट के सुंदर दृश्य जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये है ब्रह्मकुंड घाट, तो आप ताज़ा दृश्य देख सकते हैं और कमेंट में जय गंगे माता ज़रूर लिखें। दोस्तों आइए आप सभी को लेकर चलते हैं नाई घाट की तरफ, जहाँ पर जो गंगा जल का फ्लो है वो देखने योग्य होता है और भी अच्छा लगता है वहाँ पर। ताज़ा दृश्य देख रहे हैं आप सभी 19 सितंबर के दिन, ये लाइव दृश्य हैं। समय की बात करें तो लगभग 10:30 के आसपास के ये ताज़ा दृश्य हैं। ताज़ा दृश्य देखने का अलग ही एक महत्व है और अलग ही एक आनंद है। आइए आप सभी को माँ मनसा देवी का मंदिर भी दिखाते हैं। हर की पैड़ी में खड़े होकर साफ नज़र आता है मनसा देवी का मंदिर, और ये है मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आप सभी माँ गंगे की निर्मल धारा के दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है इन दृश्यों को देखकर। गंगा जल की लहरें लगातार निरंतर बह रही हैं, सुंदर दृश्य हैं ये सभी। आप सभी लोग कमेंट में जय गंगे माता लिखते जाएं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी हर की पैड़ी के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हल्की हल्की छांव भी होती है यहाँ पर। यहाँ पर जो गंगा जल का बहाव है काफ़ी तेज़ रहता है, लेकिन आज जो है गंगा जल को इस तरफ कम किया गया है, इस वजह से ज़्यादा तेज़ बहाव नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों का कोई इंक्वायरी है, कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो हरिद्वार यात्रा से संबंधित हो, ऋषिकेश यात्रा से संबंधित हो या चार धाम यात्रा से संबंधित हो, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो आईडी है मुकेश हेल्प नाम से है। अब मैं नाई घाट की तरफ आ चुका हूं जहां पर लोग मुंडन संस्कार कराते हैं। आ जाओ।
तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो आप सभी को हरिद्वार के ताज़ा दर्शन कराने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।